श्री प्रॉफिट सिक्स 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 चैनल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रों आज इस वीडियो में मैं आपको अपने घर में से रोग और बीमारी भगाने के एक सरल और आसान लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और आजमाए हुए उपाय की जानकारी देने जा रही हूँ मैंने इस लोकप्रिय रोगनाशक उपाय के बारे में इसके पहले भी जानकारी दी है लेकिन मैं आपको इसके बारे में फिर से बताने जा रही हूँ क्योंकि इस महामारी के काल में अपने घर को रोगों से सुरक्षित रखने के लिए यह लाभदायक साबित होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें अगर आपके घर का कोई भी सदस्य हमेशा किसी ना किसी प्रकार की बीमारी या रोग से पीड़ित हो रहा है उदाहरण की तौर पर सर्दी खांसी बुखार पेट की बीमारी सर दर्द बदन दर्द या अन्य किसी भी बीमारी हो तो आप अपने घर को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए इस उपाय का प्रयोग कर सकते हो इस उपाय का प्रयोग करने से घर के अंदर की बीमारी भाग जाएगी और बाहर से आने वाली बीमारी घर के अंदर नहीं आ पाएगी यह छोटा सा उपाय एक बीमारी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा अब मैं आपको इस यंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ कृपया ध्यान से सुनिए आगे मैंने एक अत्यंत सरल रोगनाशक यंत्र दिखाया है उस यंत्र को आपको सफेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही के पेन से बनाकर उसके सामने धूप और दिया प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता का एक बार स्मरण करना है इस प्रयोग को आप किसी भी दिन सवेरे या शाम को स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके कर सकते हो इसके बाद उस रोगनाशक यंत्र को आपको अपने घर के मुख्य द्वार यानी कि मेन डोर के अंदर के बाजू पर मध्य भाग में चिपकाना है यंत्र खराब ना हो इसके लिए आप उसे लैमिनेट कर सकते हो अगर यंत्र खराब हो जाएगा तो आप उसे पानी में प्रवाहित कर सकते हो और वैसा ही दूसरा यंत्र बनाकर लगा सकते हो अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कृपया ध्यान से सुनिए इस यंत्र को बनाने की कोई भी चाल नहीं है आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है यह देखिए नमूने के तौर पर मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही के पेन से यह यंत्र बनाया है यह देखिए मैंने कैसे निकाली है आकृति वैसे ही आकृति आपको निकालनी है और उसमें कुछ अंक लिखे हैं वह देखिए है। तीन अंक है मैंने जिस तरह से लिखे हैं आपको उसी तरह से लिखने हैं अंक तो मैंने हिंदी में लिखे हैं अगर आप चाहें तो उन्हें अंग्रेजी में या अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हो कृपया एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी दवाइयाँ और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इस रोगनाशक यंत्र का प्रयोग करें अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्रभु सबका कल्याण करेंगे